बहुत ज्यादा ही खराब। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। उनको बोलो कि भाई ये प्राइस चल रहा है तो वो लेने से इनकार करेंगे, अरे यार कैसे इतना रेट कैसे बढ़ जाएगा इतना जल्दी, तो ये वाली कहानी हो जाती है। मतलब हमारा बिजनेस कहाँ तक स्केलेबल, आप सोच के देखिए ना, जिन चीजों को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे खरीद रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, तो और क्या हो, रखा ही क्या, हमारे पास है ही क्या, हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, जोस पाउडर बॉन्डिंग का सॉल्यूशन है ही नहीं, वो भी वियतनाम से आता है। कुछ बेस ग्रेड पाउडर जो होते हैं, T1 हो गया, चाइना पाउडर हो गया, वे भी वियतनाम से ही आते हैं। कुछ केमिकल के वो भी जो है चाइना से ही आता है। हम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चारकोल लेके बैठे हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चारकोल ही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो फिर यार बात हो गई है कुछ बहुत ज्यादा ही खराब। मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, पर कैसे बने इस महंगाई में। खत्म, बाय बाय टाटा। जैसे कि आप जानते होंगे काफी सारी ऐसे चीजों की प्राइस इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं कि भाई आज के टाइम पे धंधा करना, बिजनेस करना, मतलब एक बहुत बड़ा रिस्की और चैलेंजिंग काम हो गया है। और ये मेरी ही प्रॉब्लम्स नहीं है, इतने सारे मार्केट्स में लोग हैं, सब लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है, और वो भी ऐसे टाइम में जहाँ की हमारा सीजनेबल टाइम होता है। जैसे कि आप जानते होंगे हमारा आस्था का बहुत बड़ा रोल है अगरबत्ती बिजनेस में, और यहीं से जो है हमारी काफ़ी सारी जो फेस्टिवल टाइम है वो जस्ट चालू हो जाती हैं, उसकी शुरुआत हो जाती हैं। अभी थोड़ा टाइम और बाकी रहेगा, एक हफ्ते में काफ़ी सारे फेस्टिवल टाइम, यहाँ मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे हरियाली से लेके दिवाली तक के काफ़ी सारे फेस्टिवल्स की शुरुआत हो जाती है। वैसे काफ़ी सारे जगहों पे मेरे ख्याल से हो ही जाती है। और इसके साथ साथ हमारे पूजा मटेरियल्स एज अ आस्था और पूजा की जाने वाली जितने भी सामग्री हैं उसकी भी जो है डिमांड बहुत ज़्यादा खूब तरीके से होने लगती है, कहने का मतलब ये है। लेकिन रोड़ा किस चीज़ का है, ये है प्राइजिंग का। प्राइजिंग कैसे, जैसे कि आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैं शेड्यूल थोड़ा बना लेता हूँ। अब महंगी होने से ना हिम्मत ये नहीं हो रही कि एक बढ़िया सा चेयर ले लूँ, मजाक कर रहा हूँ, बाकी यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बिजनेस में हैं, और ख़ासकर अगरबत्ती बिजनेस में ऐसे लोग ज़्यादातर रहते हैं जिनको एक छोटा रोजगार चलो कहीं से भी चालू कर लिया जाए, और जॉब वैसे भी नहीं है, आप जानते हैं जॉब की बहुत ज़्यादा कमी है। इस कंडीशन पे नए लोग क्या है हाथ आजमाने की कोशिश ही नहीं करते, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, और जिसके वजह से एक नया जो है बिजनेस का जो सर्कुलेशन है वो भी थोड़ा सा डाउन होने लगता है। क्योंकि जब नए लोग इस बिजनेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं लेनदारी देनदारी होती है, लेनदारी देनदारी होगी तो थोड़ा सा बिजनेस स्केलेबल होगा, बड़ा होगा, और जो आगे लोग सर्वाइव कर रहे हैं उनके साथ भी डिमांडें बढ़ेंगी, डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस का सर्कुलेशन रेशियो जो है वो भी बढ़ेगा, एज अ मार्केट भी अच्छे तरीके से काम करेगा, और यही नहीं सबको काम करने में मजा आएगा। बिगड़ती कहाँ है, प्राइजिंग के ऊपर। अब प्राइजिंग दो तरीके से है, एक वो प्राइस जो कि रॉ मटेरियल्स और काफ़ी सारी चीज़ों में होती हैं, और इसी रॉ मटेरियल्स की वजह से लोग, एक तो डिमांड कम आती है ये आप जानते हो, मार्केट से एक अच्छा पैसा जो है मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब पैसा निकालना, पैसा डालना अलग चीज़ है, निकालना अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। महंगी चीज़ों में आप पैसा डाल रहे हो, चीज़ें महंगी बन गई, अब उसको बेचना है, अब अगले मार्केट में जो दुकानदार हैं या फिर जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी चल रही है उनको बोलो कि भाई ये प्राइस चल रहा है तो वो लेने से इनकार करेंगे, अरे यार कैसे इतना रेट कैसे बढ़ जाएगा इतना जल्दी, तो ये वाली कहानी हो जाती है। मतलब ऊपर से नीचे सारा माजरा जो है गर्म हो जाता है। अब सीधी सी बात है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो बैम्बू स्टिक, हाल ही में बैम्बू स्टिक का काफ़ी ज़्यादा रोड़ा बना हुआ है, वो भी बने ही रहेगा एक दो महीना भी, और आप शांति से बैठी है, अभी दो महीने इसके रेट कम नहीं होने वाले। इसके पीछे की रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, पिछले वीडियो में मैंने बात भी की थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसके साथ ऑयल का भी हम बात कर लें तो ऑयल में भी काफी सारा प्राइसिंग बढ़ी हुई है, काफी सारे ग्रेड ऑयल्स
हम लोग एज अगरबत्ती में यूज़ करते ही हैं, जिसमें मिनरल हो गया, वाइट ऑयल हो गया, सुपर ऑयल हो गए, या फिर बेस डीपी ऑयल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, वाइट ऑयल भी एक हद तक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग यूज़ करते ही हैं। तो इनके प्राइजेज में भी जो है प्राइजिंग बढ़ी हुई है। एज अ परफ्यूम में भी काफ़ी सारे एज अ कंपाउंड बेस जो सप्लायर हैं वो भी प्राइस बढ़ा के बैठे हैं, और एज अ परफ्यूम्स में हम लोगों ने अभी तक कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया। जो प्राइस जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अगर परफ्यूम के बेस में कोई बेसिक डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस है, ऑयल्स का बात हो गया, बैम्बू स्टिक की बात हो गई, रॉ मटेरियल्स में जो रॉ इंग्रेडिएंट होते हैं, सपोज इसमें T1 बेस पाउडर हो गया, जोस पाउडर हो गए, या फिर जो बेस ग्रेड पाउडर्स होते हैं उसके भी प्राइस बढ़े हुए हैं। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मन में बस एक ही चीज़ घूम रही है कि आखिर आदमी बनाएगा क्या और बेचेगा भी क्या। चूना लगा दिया। और इसकी जो है मैं सही बात बोलूं तो ये हमारी ही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा क्यों? देखो, हमारा जो बिजनेस है, अगरबत्ती का जो बिजनेस है, इवन मैं बोलूं तो जितने भी हमारे देश में अगरबत्ती जो बनाई जाती है उसका डार्क रियलिटी ये है कि हम, आप ये सोचो, जो बैम्बू स्टिक्स चाइना से मंगाई जा रही है या चाइना का बैम्बू स्टिक हम लोग एज अगरबत्ती बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी भर भर के कंटेनरों से चाइना और मतलब समुद्र के जरिए से आ रही है, मतलब एज इंपोर्ट किया जा रहा है। मतलब हमारा बिजनेस कहाँ तक इसका लेवल, आप सोच के देखिए ना। जिन चीज़ों को हम लोग इम्पोर्ट कर रहे खरीद रहे हैं तो प्राइस बढ़ेगा नहीं, तो और क्या होगा? चाइना बैम्बू मंगाने का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण वही हो सकता है कि कुछ बैम्बू में इशू हो सकता है, या फिर चीज़ें सस्ती तो आ नहीं रही है। आप जैसे कि जानते होंगे 130 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है, और ये प्राइस आप समझ सकते हो 30% प्राइस इंक्रीज जो है हुआ है। बात हम ये कर रहे थे कि हम में जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हम खुद से करना ही नहीं चाहते। जो भी चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं सब चाइना से, वियतनाम से इंपोर्ट हो रहा है। तो हमारे देश में और हमारे ये जो हम अगरबत्ती बिजनेस में बैठे हैं तो हमने रखा ही क्या, हमारे पास है ही क्या, हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। और ये प्राइसिंग बढ़ते ही रहेगी आगे आने वाले 4-5 साल में। आप देखोगे तो 200 क्रॉस करेगा अगर सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। जोस पाउडर बॉन्डिंग का सॉल्यूशन है ही नहीं, वो भी वियतनाम से आता है। कुछ बेस ग्रेड पाउडर जो होते हैं, T1 हो गया, चाइना पाउडर हो गया, वे भी वियतनाम से ही आते हैं। कुछ वो केमिकल के क्या 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 बैतलो बैतलो क्या 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 वो भी जो है चाइना से ही आता है। हम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चारकोल लेके बैठे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ चारकोल ही है, इसके सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या बिजनेस किए हैं हम लोगों ने? अब सोच के देखिएगा कि जिस देश में सबसे ज़्यादा अगरबत्ती यूज़ की जाती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जो खपत है वो है हमारे भारत देश में, और हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर की चीज़ें लेके बना रहे हैं। हमारे देश में इतनी भी कमी है कि हम बैम्बू खरीदें, बैम्बू हमें खरीदनी पड़ रही है। क्या यहाँ वो कैपेबिलिटी नहीं है कि यहाँ बैम्बू बनाया जा सके? क्या ऐसे पेड़ और पाउडर्स की कमी है कि हमें जोस पाउडर वियतनाम से लेना पड़ रहा है, हालांकि ग्वार गम यहाँ कुछ बनना चालू हो गया है? बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। तो सबसे बड़ी गलती ये है, और इसके पीछे का कारण हम ही है कि हम चीजों को जो है खुद से करने की कोशिश नहीं करते। अभी भी डिपेंड है चाइना और वियतनाम के पीछे। बैम्बू स्टिक चाहिए तो चाइना का, और जोस पाउडर चाहिए तो भी चाइना का, पाउडर चाहिए तो भी वियतनाम का। और इसके वजह से हमको जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर प्राइसिंग का हो या फिर शॉर्टेज का हो, इन सारी चीज़ों का इशू होना ही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो फिर मुद्दे की बात ये है, मोदी जी को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। गलतियां हम खुद ही कर बैठे हैं, और जो है हम डिपेंडेंट हैं किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे देश के ऊपर। चाइना सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर है इंडिया में, जो चीज़ें जो है भेजता है, बैम्बू स्टिक, जोस पाउडर, बेस केमिकल्स और न जाने बहुत सारी चीज़ें। तो सोचनी हम ही होगी कि हम जो है
चीज़ों को न मंगा के उसे खुद यहाँ अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सके। बैम्बू स्टिक का बहुत बड़ा जो है यहाँ पे वर्किंग किया जा सकता है। प्लानिंग हुई थी 4 साल पहले असम, मणिपुर और ऐसे कोलकाता, वेस्ट बंगाल जैसे कुछ कुछ जगहों में, बट वो फैक्ट्रियाँ अभी पूरी तरीके से बंद हैं। और आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इंडियन बैम्बू स्टिक्स आखिर लोग क्यों पसंद नहीं करते हैं और इसके पीछे का रियलिटी क्या है, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम्स है कि हम जो है इंडियन बैम्बू स्टिक्स में अगरबत्ती बनाने से भागते हैं या फिर बचते हैं। चाहे चाइना का रेट 130 हो जाए, 150 हो जाए, चाहे 200 हो जाए, हम मंगाएंगे चाइना से ही, तो इसका कारण क्या हो सकता है? और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स अगर हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो ये प्राइसिंग हमें झेलनी ही पड़ेगी। और यही था एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके लिए बनाई, और इस वीडियो को आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए और इसे अपने आसपास के लोगों में जो भी अगरबत्ती बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं उसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उनको भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगे और वो भी समझने की कोशिश करें। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।